वेलकम टू एस एम के फैमिली। आज मैं मट्टी की हांडी में बनाने लगी हूँ बकरे का गोश्त। ये 1 किलो गोश्त है, इसको पहले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 किलो गोश्त में 2 प्याज। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और मज़े का बनेगा मट्टी की हांडी में। 2 छोटे टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन। एक टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया। एक छोटी प्याली दही। प्याली कम हो जाएगी। 1 कप ऑयल, 1/2 कप ऑयल मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। मट्टी की हांडी में गोश्त का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आप इसमें चाहे कीमा बनाएं, गोश्त बनाएं, हर चीज़ इसमें बहुत मज़े की बनती है। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे। जब इसमें 1-2 उबाल आएंगे तो इसको हल्की आग पर रख देंगे हम। ढक्कन रखने लगे ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, फिर इसकी आग हल्की करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा गोश्त पकना शुरू हो गया। इसमें जो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सारे मसाले डाले थे वो अच्छे से गल जाएंगे। अब इसको हम हल्की आग पर रख देंगे, ढक्कन रख के ऊपर आग इसकी थोड़ी सी हल्की कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और सारे मसाले भी इसके गल जाएं और आधा गोश्त गल जाए। इसकी क्या शक्ल निकली है, चला खुशबू तो बहुत अच्छी है। अब मैं इसको भूनने लगी हूँ और इसका पानी सारा ताकि खुश्क हो जाए और इसको भून लूँगी। ये देखें जी, इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया। अब इसको पानी खुश्क होने तक इसको भूनेंगे। पानी अच्छे से भुना गया। अब आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डालना है और इसको हल्की आग में मैं रखने लगी हूँ ताकि ये बस जो थोड़ी सी कसर रह गई है गोश्त में वो हो जाए। ये देखें कितना मज़े का बना गोश्त। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ये थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसका चूल्हा करने लगी हूँ बंद। ये मैंने कह दिया चूल्हा बंद करने लगी हूँ। मैं 1 चम्मच डालने लगी हूँ देसी घी का और फिर इसका मैं चूल्हा बंद करके इसको ढक्कन दे दूँगी। ढक्कन दे के चूल्हा बंद, अब इसको डिश आउट कर दूँगी। इसके पास मट्टी की हांडी है उसमें ज़रूर बनाए, बहुत मज़े का बनेगा। अब मैं इसको डिश में डालने लगी हूँ। ये देखें जी बहुत मज़े का तैयार हुआ है, इसको अब खा के हम देखते हैं कैसा है।
इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक। इसमें मैंने डाला हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और इसमें चुटकी सा डालूंगी गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला। चलो, ये मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया है मटन, जो कि बहुत मज़े का बना है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप इसको नान के साथ खाएं, सलाद के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। इस सलाद की रेसिपी मैंने चैनल में अपने दे दी है, आप ये सलाद वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप इसे बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।